वागले की दुनिया के 300 हमारे बहुत हुए सभी के अलग अलग भी कुछ कुछ हुए, पर वागले के दुनिया के 300 एपिसोड ना ऑडियंस के लिए और इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। जर्नी बहुत फैंटास्टिक रही, जब भी कोई ऐसे जैसे 100 एपिसोड्स हुए थे, 200 एपिसोड्स हुए थे, तो उसी तरह ये 300 एपिसोड 100 एपिसोड्स का एक लक्ष्य होता है। जैसे क्रिकेटर को होता है ना कि सेंचुरी होने के बाद वो अपनी बैट उठाता है और ही बाउज डाउन टू द ऑडियंस, उसी तरह बैट नहीं लेकिन हम हमारे हाथ उठाएंगे एंड थैंक यू कहेंगे ऑडियंस के लिए, क्योंकि उनका प्यार है जो हमें यहाँ तक ले आया है। थैंक यू सो मच। ये 300 एपिसोड की जर्नी जो हुई है वो बहुत ही हमने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस जर्नी में। सब बीमार हुए और उसके बाद बाहर गए, बायोवेबल पैंडमिक उस सिचुएशन में और अपनी फैमिली से अलग रह के शूट करना, तो काफ़ी कुछ देखा है और उसके बावजूद एक जो टीम स्पिरिट में काम देखा है, तो उसके लिए ये 300 एपिसोड्स बहुत स्पेशल हैं हमारे लिए। जो सोचा था उससे भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है सिंप्लिसिटी जो वागले की जो है वो बरकरार रखी है, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, खासकर बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को पसंद आ रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए वैसे भी आजकल कुछ बनता नहीं है और बच्चे हर एपिसोड से कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख देती है हर एपिसोड में, वो हमको बहुत पसंद आती है। जो हमने सोचा नहीं था, जो घर में कभी कभी मिस हो जाता है, वो हम लोगों को आपकी फैमिली से मिलता है, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत ईजी गया, पता ही नहीं चला 300 एपिसोड कब हुए। यूनिट बहुत अच्छा है हमारा, सब मतलब टेक्नीशियन से लेके आर्टिस्ट से लेके प्रोड्यूसर से लेके ईपी से लेके सब लोग एकदम जैसे फैमिली जैसा यूनिट है, तो पता ही नहीं चला हमारा कि हमें कि 300 एपिसोड कब हो गए। वही अभी बात कर रहे थे हम लोग, बाप रे 300 एपिसोड कर लिया हमने, समझ में नहीं आया कब ख़त्म हो गए। तो इट वॉज़ वेरी इजी जर्नी है। वागले की दुनिया के 300 हमारे बहुत हुए सभी के अलग अलग भी कुछ कुछ हुए, पर वागले के दुनिया के 300 एपिसोड ना ऑडियंस के लिए और इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। तुम्ही में एक बहुत ही कमाल की क्वालिटी है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे बहुत खुशियाँ बांटते हैं, तो जब वो सेट पे आते हैं सुबह तो वो एक एक इंसान जो सेट पे है उससे मिलते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं और सबको सबकी शक्ल पे ना इनको देख के से एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये वो एनर्जी लेकर आते हैं, वो पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। तो इनफैक्ट हम बाकी जितने एक्टर्स हम ये अक्सर ये बात करते हैं कि हमें ये क्वालिटी इनसे इम्बाइब करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। नहीं, ये प्रेशर ऐसे नहीं होता, प्रेशर मेरे ख्याल से पहले दिन से होता है, लेकिन यहाँ पर राइटर्स की मैं बात करना चाहूँगा कि 25-25, 26-26 एपिसोड हर महीने लिखना, ये एक वाकई में शिव धनुष उठाने जैसा ही। नहीं, मेरे तो कुछ नहीं है, लोग आके काम करते हैं निकल जाते हैं, पर हंसी खुशी से काम होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी को ईगो नहीं है कि मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ या मैंने इतने साल काम किया है मुझे ऐसा रिस्पेक्ट मिलना, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पूरी यूनिट में। तो हर एक को अपना अपना काम करके अच्छा सा काम करते हैं निकल जाते हैं। पर अब सुमित के साथ तो मैं बहुत साल जानती हूँ उसको, तो उसको मैं 15-20-25 साल से जानती हूँ, जब छोटा था बच्चा तब से मैं जानती हूँ सुमित को। तो सुमित के मेरे लिए तो वो बहुत आसान था। अंजन के साथ तो 35 साल पहले वागले ही किया था, तो मेन दो कैरेक्टर ही मेरे इतने करीब के हैं कि मुझे कुछ मुश्किल लगा नहीं काम करने में। परिवार और बाकी जो सब लोग हैं, जो मेरी बहू बनी है या बच्चे बने हैं या बगल वाले बने हैं, जो नेबर्स बने हैं, सब लोग इतने अच्छे हैं। और मुझे लगता है हर एक ने ना कुछ ना कुछ कभी कभी ना कभी स्टेज पर काम किया है, तो स्टेज की जो डिसिप्लिन होती है ना वो सब है उसमें उनमें, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। सिर्फ उन्होंने ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सीरियल में काम किया है या पिक्चर में काम किया है, तो बहुत आसान रहा सब कुछ, मतलब पता ही नहीं चला हमने कब 1.5 साल निकाल लिए इसमें। उन्होंने वो पुराने ज़माने का फ्लेवर रखा हुआ है
और जो जो वैल्यूज़ है वो आजकल जो क्या बोलते हैं जो जॉइंट फैमिली में हुआ करती थी, दादा दादी के साथ हुआ करती, वो बहुत मिसिंग है अभी, बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो बच्चों को भी ये लगता है कि अरे वहाँ दादा दादी होते थे, ऐसे भी हो सकता है, ये भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये दादा दादी ये सिखा सकते हैं, उनके साथ ये मस्ती कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना वापस लानी चाहिए, मतलब एटलीस्ट लोगों को लिए या बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या फ़र्क है और कितना फ़ायदा है जॉइंट फैमिली में। पूरी टीम ने मिलकर डिसाइड किया था, क्योंकि एक ऐसा डिसीजन हुआ था कि हम लोग अक्सर ये चीज़ करते हैं कि कभी कभी बीच में अगर कहीं से बाहर गए छुट्टी में तो एक तो आज 300 एपिसोड भी हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। हम जब पिछले साल बायो बबल में थे, हम सिलवासा में शूट कर रहे थे, तब हम ऐसे ही वहाँ पे कैफेटेरिया गया था ओएसएस, तो वहाँ पर हम सब साथ में बैठ कर खाते थे। नहीं, मेमोरी मतलब हम लोग सब इकट्ठा हो गया, निकलते थे दो तीन गाड़ियाँ निकाल के, बच्चे सब निकलते थे, इसके घर में जाके उसको उठाते थे, चलो होली खेलते हैं, फिर उसको उठाते थे, चलो होली खेलते हैं, फिर समुद्र पे जाते थे, फिर इकट्ठा बैठ के खाना खाते थे, मस्ती करते थे। ये सब हुल्लड़बाजी नहीं होती थी उस वक्त, बस रंग खेलते थे, पानी का टैंक बनाते थे, उसमें डुबकी लगाते थे, पर प्योर रंग की डुबकी लगाते थे, इसमें कोई वो ऐसे रंग नहीं थे कि ऑयल पेंट लगाया है या फिर वो जो रंग जो निकल ही नहीं रहा है। तो हमारी तरफ की होली बहुत अलग होती थी, हम उसको याद कर करते रोना आ जाता है, पर हम मैंने होली खेलनी ही बंद कर दी।